हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाइयों का कमेंट्स है कि सर हम वन फैक्ट्री स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाइयों को काफ़ी सारी प्रॉब्लमें देखने को मिल रही हैं। तो वो अपना वन फैक्ट्री स्टेटस यहाँ पर चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बोल रहा है कि हमने यहाँ पे कलेक्शन कराया था तो वो सही नहीं हुआ है, या हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम उसको कैसे चेक करें। बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं हमने यहाँ पे जो है EKYC भी करा रखी है तो अभी सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि आजकल जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म है वहां पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में EKYC का ऑप्शन भी दे दिया है, वहां पे पेंडिंग पड़ी है या सबमिट हुई है तो वो भी यहां पे चेक नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम यहाँ पे कोई भी वीडियो लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको इसी इंटरफेस पर आ जाना है। आ जाने के बाद में आपको वन फैक्ट्री स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता होगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू जो है अपना वन फैक्ट्री स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक नहीं हो रहा है। पहले यहाँ पे क्या होता था कि जो कैप्चा है इसकी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी, मगर अभी कैप्चा भी सही है, सब कुछ सही है, मगर यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो किसान भाई यहाँ पर चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ऐसे में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपका भी इसी प्रकार का आ रहा है और आप भी चेक नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उसको डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड साइड है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पे वन फैक्ट्री स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ पे जो काम है वो करना स्टार्ट कर देगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो कीबोर्ड भी निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप जो लैपटॉप है उसमें जाकर चेक करवा लीजिएगा, किसी के पास लैपटॉप है वहाँ से जाकर आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर अभी थोड़ा सा वर्क चल रहा है, आपको 1 या 2 दिन वेट कर लेना है। ठीक है, 1 या 2 दिन वेट कर लेना है, उसके बाद में ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है किसान भाइयों, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर, तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको निकालने के लिए मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपने अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पर साफ साफ जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना चाहें आपका नाम के थ्रू, ठीक है, आपका नाम जिस भी स्टेट से रहते हैं सारे लिस्टों के नाम आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइएगा वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालिएगा और यहाँ से अगर आप अपना जो स्टेट है उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको 1 या 2 दिन वेट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा ये, और फिर आपको यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आप ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर आकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो बस किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपके मन में और कोई कन्फ्यूजन या कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपके यहाँ पे हेल्प कर सकूँ। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।